Thank you.
देखो भाई अभी कैसे आपको कहाँ से आया हुआ भैया? देखिए आज के इस पावन अवसर पर जब हम क्षेत्र की यात्रा कर ले, केतु की यात्रा कर ले, वही दिन हमारे लिए मंगल है, वही दिन हमारे लिए पावन है। क्यों? क्योंकि तीर्थ यात्रा का फल ये है कि असंख्यात पशु तत्वों का क्षय स्वयं हो जाता है, इतना नहीं है पर होता जरूर है। तो आइए आज हमारे जीवन का ये अपूर्व अवसर है और ऐसी भूमि जहाँ के मिट्टी का अनुपन भी पूजनीय है। क्यों? क्योंकि 99 करोड़ महान आत्माएं इस भूमि से निर्वाण को प्राप्त हुई है। राम हनु सुग्रीव सुनील गौ गवा के नील महानी कोटि 99 मुक्ति प्रयान तुम ही गिरी बंदो ध्यान जैसा हम कहते सुनते हैं हमारे दर्शन परोक्ष रूप में क्यों न हो इस भूमि के प्रति हो जाते हैं। पर जब हम आते ही यहाँ पर प्रत्यक्ष तो हमारे पुण्य असंख्यात गुना बढ़ जाता है, असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाती है और यही तीर्थ यात्रा का फल भी है। तो आइए आज हमारा सौभाग्य जागृत हुआ है कि हम इसे पावन धरा पर आए और यहाँ के अधिष्ठाता भगवान पाटना जी जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे सारे काम जटिल से जटिल काम भी संपन्न हो जाते हैं। ऐसे बाबा पाटना जी का अभिषेक करने का लाभ, छांडी दाना करने का लाभ, पूजन करने का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है कि हमारा दुग्ध शक्कर योग है। दूध तो मिल ही रहा है पर फीके दूध के साथ में शक्कर भी मिल जाए तो पीने में और अधिक आनंद आता है। तो आइए आप सभी का इस पुण्य धारा पर हम स्वागत करते हैं पर आपकी छाटी धारा प्रारंभ करें उसके पूर्व इस क्षेत्र के विकास के लिए रात दिन काम चलता है। जो काम नीचे 10 रुपए में होता है पान पे 100 नहीं तो 150 रुपए लग जाते हैं, 200 रुपए लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि 4200 फीट पर काम करना एक जटिल समस्या बन जाती है। मजदूरी भी दुगनी दे करके जो 8 घंटे का काम है 4 ही घंटे चलेगा और उसको प्राण नीचे से पूरा पूरा सामान ऊपर पहुंचाना, जल हो, रेती हो, गिट्टी हो, सीमेंट हो, ये सब नीचे से ऊपर पहुंचाना पड़ता है और हर रोज काम करता है। तो हमने इस पहाड़ के विकास के लिए कुछ छोटी छोटी योजनाएं बनाई है। कैसे हम दिन का 100 रुपए निकाले 3000 रुपए महीना तो 6 साल में राशि बन जाती है 2.25 लाख रुपए की, जिसमें हमारे ओर से इस पहाड़ का जीर्णोद्धार जब जब भी होगा तब तक अपने दिए हुआ एक ही पैसा उस काम के लिए खर्च होता रहेगा। देना एक ही बार है वो भी 6 साल में देना है, धीरे धीरे करके देना है पर हम इस क्षेत्र के विकास के संरक्षक बन जाते हैं, पहाड़ के जीर्णोद्धार के संरक्षक बन जाते हैं। शक्ति कम है हम 50 रुपए ही दिन का कर सकते हैं, 6 साल में 1,08,000 रुपए की शुभ राशि बन जाती है। प्राचीन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार अपने परिवार के द्वारा हमेशा करता रहेगा। 25 रुपए दिन का करो 750 रुपए महीना, जिसमें हमारे द्वारा 25 सीढ़ियों का जीर्णोद्धार चलता रहेगा। हम 20 रुपए करें, 15 रुपए करें, 11 रुपए करें, 5 रुपए करें, कितना भी करें राशि कम ज्यादा हो सकती है पर अपनी भावनाएं कम ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार करना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए आज हम जब आए हैं इस भूमि पर तो इस भूमि के विकास के लिए भी हमारा कोई ना कोई अंश का उपयोग हो जाए इन भावनाओं के साथ। कल हमारे बीच बीबी मेहता से होंगे महाराज के साथ में जुड़े हुए जितेंद्र कुमार जी जैन निवासी इंदौर, पर उन्होंने 50 रुपए प्रतिनिधि योजना में अपना एक नाम यहाँ पर प्रेषित किया। परसों के दिन हमारे पहाड़िया जी पधारे थे किशनगढ़ थे, उन्होंने 100 रुपए प्रतिनिधि के लिए अपना एक नाम लिखवाया। कल हमारे फलटन के कुशल सिंह जी गांधी सराफ जो फलटन के हैं उनके सुपुत्र मृत्यु भैया यहाँ पर आए थे, उन्होंने 11 रुपए प्रतिनिधि के लिए लिखवाया। उनका एक कमरा भी बना हुआ है और निरंतर ऐसे ऐसे परिवार है जो मांगे पूरे के प्रति समर्पित है और उन्हीं के द्वारा काम भी चलता है। तो आइए हम भी उसके एक कड़ी बन जाए, हम भी उसका एक हिस्सा बन जाए कि भवन के साथ अपने अपना एक एक नाम यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं। राशि आज देना नहीं है, भविष्य में देना है, धीरे धीरे करके देना है पर काम आपका और से हमेशा हमेशा चलता रहेगा। आज हमारे बीच हमारे गीडर के श्रीमान दिनेश भाई उपस्थित है, हमारे औरंगाबाद संभाजी नगर से कुलभूषण जी पाटो जी और अच्छा कुलभूषण जी भाई अच्छा बोल रहे हमारे कुंतलगिर की याद आ जाओगी। कुलभूषण जी कुलभूषण दोनों भ्राता आज यहाँ पर है, ये मोक्ष में के लिए भी जाएंगे पर क्रम क्रम से जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आज पाटो जी परिवार यहाँ पर उपस्थित है, हमारे आकाश भाई ठोले उपस्थित है, हमेशा आते हैं आज उपस्थित है। तो आइए इस शुभ अवसर पर
नया साल अभी भी लगा है, जनवरी महीना लगा है और विश्व की एक अद्वितीय तिथि आ रही है 22 जनवरी, जो 550 वर्ष के बाद देखो राम की जन्मभूमि का काम हो रहा है और मोक्ष कहां से है, मांगेतुनी से। तो ये कड़ी है, अयोध्या की कड़ी और मांगेतुनी की कड़ी ये आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि जन्म वहां से लिया है, मोक्ष यहां से गए। हमारे शास्त्र के हिसाब से भी अयोध्या में ही जन्म लिया है और हिंदू संप्रदाय के अनुसार उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली है ऐसा आता है। परंतु हमारे जिन आगम में इस तुंगगिरी पर्वत पे उन्होंने निर्वाण पद की प्राप्ति कर ली, मोक्ष की प्राप्ति कर ली, तो आइए ये दोनों भी भूमिया हमारे लिए पूजनीय है, पवित्र है और उनको हम नमन करते हैं। वहां पर जो प्रतिमा होगी उसको कहते हैं रामलला, तो बाल्यावस्था की प्रतिमा है, अयोध्या में जन्म हुआ इसलिए जन्मभूमि की प्रतिमा सही है, हमारे लिए भी सही है। और यहाँ से मोक्ष हुआ तो पहाड़ पर जाते हम तुंगी के पर्वत पर, तो बड़ी खूबसूरत चतुर्थ काल की राम हनुमान जी की 8 प्रतिमाएं बड़ी सुंदर अवस्था में हमको मोह लेती है, ऐसी प्रतिमा यहाँ पर है। तो आइए ये उत्सव हमारा ही है, तो आइए इस रूप को हम यादगार बनाए और इस योजना में अपना नाम यहाँ पर पेश कर सकते हैं। इतना कर ले दिन का 100 करे 50 करे 25 करे 5 रुपए करे 11 रुपए करे कोई बात नहीं। आज आज गर्मी आज मकर के जाना है, आपके इधर बहुत सारे नाम है, वो इधर वाले कौन है तब कभी कीर्ति भाई तो इधर के मत लगे डॉक्टर परसों कांति भाई भोजन के लिए पहुंचे ठीक है, और एक उनके साथ में पार्टी वाले भी थे ना भाई चक्र चंद्र विजयनगर की है पार्टी रहते हैं, तो एक एक भोजन के लिए भागी गई थी वो, तो क्या करें फिर आपका शांति रह की बोली नहीं करके ना मेरी बोली नहीं तो क्या है हमारे हीडर से पधारे में श्रीमान विश्वकर्म से करे दिनेश कुमार कुंजी जी, दिनेश कुमार जी कुंजी भाई शाह परिवार हमारे विजयनगर के माता जी के जन्म भूमि के और एक रिश्ते में भी है परिवार भी है हमारे माता जी के गृहस्थ के परिवार के बड़ा देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित परिवार है, जिन्होंने शुरुआत 11 रुपए से कर रहे हैं पर उसको आगे बढ़ा करके 25 करेंगे 50 करेंगे 100 करेंगे और बाबा माता जी के चरणों में भी हम यही भावना व्यक्त करेंगे कि इनकी स्थिति इसी मजबूत बन जाए कि 11 के आगे और एक गुरु लगा करके मांगेतुनी के प्रति समर्पित करते रहे, यानी 110 रुपए रोज निकालते रहे, ऐसी व्यवस्था बन जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि दान की राशि जो देता है वह अक्षुण्ण हो जाती है, वह वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पाटोजी परिवार देवभूषण जी कुलभूषण जी जो हमारे कुंडल जी से मोक्ष पा रहे हैं और पाटोजी परिवार जुड़े हो क्या हमारे पार्टी परिवार ने पूर्व में इस योजना में नाम लिखवाया है और देना बाकी तो आज उसका जमा भी करेंगे और भावना बांधी की उसको आगे भी और बढ़ाते रहिए ताकि हमारा दान इस पावन धरा को लिए लगता रहेगा और काम भी चलता रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर गांधी परिवार इधर उनका अच्छा अच्छा उन्होंने जो बोली है 2-4 दिन में हमारे माता जी के परिवार वाले लगातार आ ही रहे चल ही रहे, अच्छी बात है कि इसमें कल दो काम है, तीर्थ यात्रा हो जाती है साधु के सानिध्य दर्शन लाभ भी मिल जाता है, हमारे विराज भाई परिवार पूरा नाम लिखवा देना और शांतला भी नाम लेगा, इन्होंने भी 11 रुपए के हिसाब से आपने भी प्रारंभ किया है योजना को, बहुत बहुत धन्यवाद है इस परिवार के लिए भी। और देखो पूर्णिमा के दिन जो 25 तारीख को आ रही है उस दिन करीब 1000 1200 कभी कभी 1500 लोग, उस सबको सीमा नहीं होती है, 500 700 के आगे आते हैं
और 1200-1700 तक पहुंच जाता है आपका, क्योंकि हम पूर्णिमा के लिए न पत्र छपाते हैं न किसी को आमंत्रण करते हैं। बाबा का ऐसा अतिशय है कि उनके नाम से जिनको जिनको समझ में आ जाता है, जिनको जिनको समझ में निकल जाता है, वे स्वयं में आ जाते हैं। इतना भव्य उत्सव होता है और उस उत्सव में जो जो भी आते हैं उनको भोजन निःशुल्क दिया जाता है, भंडारा दिया जाता है, महाप्रसादी उसकी दाता भी बन जाते हैं। तो हमने इस बार नए साल पर ऐसा एक सुंदर योजना, क्योंकि अनेक लोगों की भावनाओं के लिए हमारा भी भोजन में दान है, भोजन में दान हो। तो हमने मात्र 15,000 रुपए की राशि जो जो भी देगा उनकी ओर से 1,000-1,200 लोगों का भोजन उनकी ओर से कर देगा, जो 15 रुपए थाली 15 रुपए में नहीं मिलता, परंतु भरपेट यहाँ पर हर व्यक्ति भरपेट भोजन करके जाएगा, बाबा पाठ के चरण में भक्ति समर्पित करेगा, उसका पुण्य भी जो भोजन देता है उनको अवश्य मिल जाता है। तो 15,000 रुपए में जो भी नाम देना चाहे वे दे सकते हैं, साथ में उनके एक राशि में 2,00,000 पैसा मिलेगा, उनके द्वारा पूर्णिमा की शांति धारा भी हो जाएगी, उसी राशि में उनके पूरे परिवार का नाम उस शांति धारा में लिया जाएगा। हमारे देशभूषण जी, कुलभूषण जी, पार्थवी परिवार, इनकी ओर से एक शांति धारा के लिए 51,000 रुपए की राशि आज ऋषिकेश के भाव पे बहुत बहुत धन्यवाद है। एक ओर से हमारा पाटली परिवार शांति धारा करेगा और एक ओर से हमारे ईडर विजयनगर निवासी परिवार शांति धारा करेगा, और दोनों ओर से भी आप ही को करना है। हमारे ढोले परिवार ने आपको कितना दिन दिया कौन सा युद्ध में? अच्छा, तो एक आज के दिन कुछ करना है 1500-2500 चलिए हम बाहर से करना चाहे आइए आचार्य भगवान आप दोनों इधर चाहते भैया आप दोनों इधर वो दोनों इधर आपको यहाँ से करना है कहीं से करना है रोचन हाँ सर बिल्कुल नहीं होगा आज तो उन्हें कल वो आगे इतना पिछले पिछले का क्रम टूट गया आज ज्यादा से करना आइए आज के मंगल प्रवचन पूज्य आचार्य श्री महाराज जी के मुखाग्नि से, उसके बाद आपकी शांति धारा चल रही महाराज के मुखाग्नि से, जो हमारा क्रम चल रहा वही चलेगा चलता रहेगा। एक दो मिनट आचार्य जी करके फिर शुरू करेंगे। आपको ऊपर जाने पर्वत जाने देखते हैं नहीं वो बोल रहे उनके पास दो राज्य का उनके पास दो लिखेंगे जय बोलेनाथ भगवान की जय, काशीनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य श्यामी सागर महाराज की जय, आचार्य बंधु सागर जी महाराज की जय, ऐसा परम धर्म की जय, आचार्य करो विजयनंद जी महाराज की जय, महानुभाव की जय, महानुभाव हम आप सब भगवान की श्री जी के चरणों में विराजमान है, और कहते हैं जहाँ भगवान के चरण मिलते हैं अभिषेक करने को मिलता है वह बहुत ही पुण्यशाली होता है। इसी प्रकार से जहाँ चरण है शरण है, और इसी प्रकार दुनिया में कहीं भी चले जाओ या किसी वीरेंद्र के चरण मिलते हैं वह महान पुण्यशाली, तो पाद हृदय में भगवान के चरण तब तक विराजमान हो जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो। कहा तब तक जब तक मैं निर्वाण मैंने मोक्ष की प्राप्ति हो तब तक हमारे हृदय में चरण विराजमान हो। इस भावना के साथ वो भक्ति करता है, गुणगान करता है, वह एक ना एक दिन भर उसको चरण और शरण मिल ही जाती है। ऐसे ही साथी से
पार्श्वनाथ भगवान, हाँ कहाँ के मांगी तुमने शादी से पार्श्वनाथ भगवान विश्व रिटर्न कर, जो भी यहाँ पर आएंगे आते हैं और कहते हैं विशेष बात यह है कि रामचंद्र बताया कि रामचंद्र भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था और निर्वाण कहाँ होगा मांगी तो तुंगी गिरी पर्वत मुझे तुंगी गिरी पर्वत पर देखिए जहाँ जन्म होता है उनका मरण मैंने मरण नहीं मरण अपने संसार में भी होता है लेकिन वो महापुरुषों का उत्सव होता क्या निर्वाण उत्सव होता है इसी प्रकार से वह उत्सव के साथ यहाँ पर रामचंद्र जी आए और उन्होंने अपने जीवन को क्या है सहज रूप से यहाँ पर छोड़ दिया ऐसी निर्वाण भूमि पवित्र है उन्होंने अयोध्या से लेकर कहाँ तक मांगी दूंगी तक वह निर्वाण कमाए घूमते 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 हुए उन्होंने अपने जीवन में ऐसा पुण्य संचय किया उन्होंने ये बाण भाई थी राम ने कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके क्या चाहिए जीने शरण चाहिए कौन सी शरण वेद भगवान की शरण मांगी है आपके ने सब देखा भी संसार में देखते हुए समर्पण किया भक्ति के साथ उन्होंने उनके जीवन में तीन बातें याद रखना जरूरत उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आदर्श आदर्श को प्राप्त किया है और वह उन्हें के साथ जिए उन्हें के उनके तीन गुण महत्व के है और उसमें तीन गुण जो आते हैं वह कहीं भी जाए संसार में रहो या दो दृष्टि होती है एक क्या आध्यात्मिक दृष्टि होती है सांसारिक दृष्टि होती है दोनों का उन्होंने संतुलन जमाया है अपने जीवन में ऐसे राम पुरुष दोनों का संतुलन क्या है संसार दृष्टि और मोक्ष दृष्टि मैंने आत्म दृष्टि पर ध्यान दिया ऐसे राम पुरुषोत्तम को हाँ यहाँ पर आते हुए और महा यहाँ पर श्री जी का मंदिर है हाँ पार्श्वनाथ का मंदिर अतिशय है उनके माध्यम से हम यहाँ पर आते हैं और मन और पवित्र मन हमारा पवित्र पावन हो जाता है इस पर पालन इस भावना के साथ में जहाँ भी लोग आए हैं उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता है बस आप इतना ही पार्श्वनाथ भगवान की जय आज लेकिन अब जगह जगह